What is up everybody? I hope you all are doing great. Last video की comment में मैंने देखा कि किसी ने पूछा who is Umusama? And then I realized कि क्यों ना इसके ऊपर एक video बनाया जाए कि who is Umusama? But इस video में हम सिर्फ यही बात नहीं करने वाले कि who is Umusama? So in this video we are going to talk about who is Umusama actually. All the theories that are related to Umusama we are going to talk about in this video. अब कई सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू Umusama विल ऑफ डी, उनको हम कई और वीडियोस में बात करेंगे, बट आज के वीडियो में सिर्फ यही हु इज Umusama, एवरीथिंग रिलेटेड टू Umusama दैट वी एक्चुअली नो राइट नाउ एंड ऑल द थ्योरीज दैट आर गोइंग ऑन इन यूट्यूब एंड अदर रेडिट स्टफ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर तुम लोगों को नहीं पता कि हु इज Umusama, Umusama मे बी इज वन ऑफ द सेलेस्टियल ड्रैगन हु रैंक हाईएस्ट इन ऑल ऑफ देम. और मे बी हो सकता है कि वो कोई सेलेस्टियल ड्रैगन ना हो, बट ही हैज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड गवर्नमेंट. इवन 5 एल्डर्स बो डाउन टू हिम या हिज. वी एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ थ्योरीज गोइंग ऑन कि Umusama एक्चुअली एक वुमन है, एक लेडी है, और इसके बारे में हम थोड़े आगे में बात करेंगे. सो मुझे जो फर्स्ट थ्योरी मिली वो ये थी कि Umusama इज एक्चुअली सैंक्स. इन रियलिटी देर इज एक्चुअली 0% चांस कि Umusama इज सैंक्स. अगर ऐसा होता तो जो सैंक्स और 5 गोरोसेस की जो मीटिंग हुई थी, जो सैंक्स उसको वहाँ पर मिलने गया था, तो वो लोग वहाँ पर भी उसके सामने बो डाउन करते, उसको रिस्पेक्ट से बोलते. लेकिन उनके वर्ड से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ही इज एक्चुअली मीन समथिंग टू रिस्पेक्ट देम. ही इज समथिंग ओके इन परस्पेक्टिव ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट और इन परस्पेक्टिव ऑफ 5 एल्डर्स सैंक्स इज हैव अ सीक्रेट आइडेंटिटी. बट एक्चुअली वो किसी और वीडियो का टॉपिक है. सो द सेकेंड थ्योरी मुझे ये मिली कि Umusama इज एक्चुअली लूफीज मॉम. और कई सारी चीज़ें ऐसी लगी मुझे जो रिलेट करती है, जैसे कि Umusama एक लेडी है, जो कि मुझे बाकी कुछ थ्योरी से पता चला था. तो हो सकता है कि वो लूफी की मॉम हो, लेकिन फिर देर आर लॉट ऑफ फ्लोज इन दिस थ्योरी लिटरली. पहली बात, अगर वो लूफी की मॉम है तो लूफी का बाप यानी कि मंकी टी ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो क्यों करना चाहता है, बिकॉज वो उसकी फैमिली की बात हो जाती है ना. ओके जस्ट किडिंग. सो देयर आर लॉट ऑफ फ्लोस जो कि तुम समझ सकते हो. जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है कि वो लूफी की मॉम हो सकती है. फिर देयर इज अनदर लॉट ऑफ थ्योरीज गोइंग ऑन कि ये Mihawk से रिलेटेड है. ऐसा हो जरूर सकता है कि वो Mihawk से रिलेटेड हो, क्योंकि वी एक्चुअली डोंट इवन नो द Mihawk पास्ट कि हाउ ही बिकम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. लेकिन हाँ, Mihawk और Umusama की आईज बहुत ज़्यादा सिमिलर है. एक्चुअली वी ओनली सी हिज आईज एंड द पैटर्न ही इज बॉडी टाइप. सो ये कहना गलत नहीं होगा कि Umusama इज समवॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन. सो ये तो हो गई कुछ छोटी छोटी थ्योरीज जो मुझे पता चली थी. लेकिन देर आर लॉट ऑफ थ्योरीज. जैसे कि मैंने एक थ्योरी एक यूट्यूबर के वीडियो में देखा था, वो कुछ सिंपल शब्दों में ये बोल रहा था कि दिस इज रिलेटेड टू समथिंग द किंग ऑफ द सी. लेकिन वो थ्योरी भी मुझे उतनी स्टेबल नहीं लगी. फिर एक थ्योरी जो कि मेरे दिमाग में आया और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, और देन आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो. सो ये थ्योरी कुछ ऐसी है कि Umusama इज एक्चुअली वन ऑफ द मेंबर ऑफ द एशियंट किंगडम. यप. सो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो 20 किंगडम्स ने मिलकर जो अलायंस बनाई थी एशियंट किंगडम को हराने के लिए, और उन्होंने एशियंट किंगडम को हरा भी दिया था. और हम सब ये लोग भी जानते हैं कि जितना हमको वन पीस से पता है कि एशियंट किंगडम उस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम था. सो देयर इज अ फ्लो कि वो कैसे उन्होंने उस एशियंट किंगडम को हरा दिया. इस चीज को समझने के लिए तुमको जरा ओहारन वाले साइड पे जाना होगा. तुमको याद होगा जब हमको ओहारन का सीन दिखाया गया था, तब हमको एक वर्ल्ड का एक्चुअल मैप यानी ओल्ड वाला मैप पता चला था कि एक्चुअली देयर इज 9 मून सराउंडिंग द अर्थ ऑफ द वन पीस वर्ल्ड. सो एक्चुअली इन मीन टाइम इस वक्त में सिर्फ एक ही मून है जो कि हमको नॉर्मली वन पीस के वर्ल्ड में दिखाई देता है. इसका मतलब कि इससे पहले वहां पे 9 मून्स हुआ करते थे, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन 9 के 9 मून्स पर लाइफ भी हुआ करती थी, और Umusama इज वन ऑफ देम जो कि उस 9 मून में से किसी एक पर रहता था. वो बहुत ज्यादा पावरफुल था उस वक्त में भी, और अभी भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी देती है तो कुछ तो होगा उसमें ऐसा कि वो सबसे ज्यादा अथॉरिटी रखता है. हो सकता है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो कि वो चारों के चारों योंकों को एक साथ डिफीट कर सके. मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी.
बट एक चीज जिसके बारे में मैं श्योर हूँ वो है कि इमुसामा इज इमॉर्टल, यप, ही कांट डाई। अब तुम लोग सोचोगे कि वन पीस के वर्ल्ड में इमॉर्टल वाला वर्ड मैंने कहीं सुना सुना सा लग रहा है, राइट? या लाइफ स्पैन? देखो मैं बताता हूँ, अगर तुमको याद होगा तो टॉफॉग लॉ का जो फ्रूट है ओपी ओपे नोमी, उसका एक फंक्शन है कि अगर एक स्पेशल टाइप की सर्जरी किसी दूसरे पर्सन पे करी जाए तो उसे इमॉर्टल बनाया जा सकता है, लेकिन वो करने के बाद ओपे ओपे नोमी का फ्रूट यूजर मर जाएगा। तो हो सकता है इमुसामा ने ऐसा करवाया हो, क्योंकि वी ऑल नो कि डेलफ्रूट अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से वन पीस के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। सो वन पीस के वर्ल्ड में इमॉर्टल एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर कई बार उस ओपे ओपे नोमे के फ्रूट का यूज करा गया हो, और हो सकता है कि फाइव एल्डर्स यानी कि गोरो से भी काफी कुछ इमॉर्टल्स हो। और अगर ऐसा है तो जॉय बॉय की थ्योरी जिसमें कि जॉय बॉय को इमॉर्टल कहा गया है वो भी पॉसिबल है, या हो सकता है कि इमुसामा ही जॉय बॉय हो। लेकिन एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कि हु इज इमुसामा। इमुसामा मे बी अ लेडी और मे बी समवन दैट वी एक्चुअली डोंट इवन नो right now from the One Piece novel or One Piece manga and One Piece anime. Because Oda always surprises his fans by revealing some facts that we don't even consider it. मैं तुम लोगों के दिमाग से निकली हुई theory, और तुम्हारे पास अगर कोई इमुसामा से related thoughts हो तो इस video के comment section में चाहूँगा, और इस video पर मुझे कम से कम 300 likes चाहिए, और हर YouTuber की तरह मैं जरूर बोलूँगा please subscribe to my channel. Okay, so we are back to the इमुसामा। सो इस वीडियो का कंक्लूजन इतना जरूर निकलता है कि इमुसामा इज वन ऑफ द इमॉर्टल्स, जो कि इमॉर्टल है। फाइव एल्डर्स वो भी इमॉर्टल है। इमुसामा 900 ईयर्स से है इस वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड में हाईएस्ट अथॉरिटी रखता है, इवन फाइव एल्डर्स भी उसके सामने बो डाउन करते हैं। और इमुसामा ही वही बंदा था जिसने की वॉइड सेंचुरी के रहस्य को पूरी तरीके से छुपा दिया, उसको हिस्ट्री से हमेशा के लिए गायब कर दिया। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ लोज कि उसने ऐसा कैसे करा, क्या उसके पास वन ऑफ द एशियन वेपन यूरेनस है, क्योंकि हमको नहीं पता कि यूरेनस किस टाइप की पावर रखता है। मे बी यूरेनस समवर्ट कि वो किसी की मेमोरीज इरेज कर सकता हो या फिर समथिंग लाइक दैट। सो मैं तुम लोगों के थॉट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा, और तब तक के लिए सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।